भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 3.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इनमें से 1.5 लाख से ज्यादा मामले देश के 7 बड़े महानगरों के हैं। इनमें दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं बेंगलुरु और हैदराबाद 2 ऐसे शहर हैं जहां कोरोना के मामले 1000 के पार भी नहीं गए हैं। ऐसे में कोरोना से देश को बचाने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं बड़े शहरों पर देने की जरूरत है। बेंगलुरु ने इस मामले में सबको दिशा दिखाई है कि बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी कोरोना को काफी हद तक काबू में रखा है। मंगलवार तक देश में कोरोना के कुल मामले 3,43,090 तक पहुंच गए हैं। इनमें से 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,80,012 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं और कुल 1,53,178 लोगों का इलाज देश के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो होम क्वारंटीन में इलाज करवा रहे हैं। देश में कोरोना से रिकवरी का रेट अब 52.47% हो गया है। कोरोना से सबसे बुरा हाल दिल्ली और मुंबई में है। सिर्फ इन्हीं 2 शहरों को मिलाकर ही कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो जाती है और मौतों की कुल संख्या 3,500 से ज्यादा है।